जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी, तो हमने ये बताया था कि हाई फ्लो सीज़न स्टार्ट हो चुका है सलाल पावर स्टेशन के लिए, जो कि 15 मई से था। और हमारा रिजर्वायर मैनुअल जो कहता है, उसके हिसाब से महीने के अंत में एक बार फ्लशिंग करनी है, या 1500 क्यूमिक से अधिक का अगर डिस्चार्ज आता है तो। जो कि हमने लास्ट 3 दिनों में ये ऑब्ज़र्व किया कि 1500 क्यूमिक से अधिक का डिस्चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उसके लिए फ्लशिंग का प्लान किया है। और इसमें हमने ऑलरेडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारा हाई फ्लो सीज़न चल रहा है, तो डिस्चार्ज कभी भी गेट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल एक्टिविटी थी, इसके लिए हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता भी दिया था, लोगों को आम जनता को सूचित भी किया था, और साथ ही साथ एक एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके एक एडवाइजरी जारी कर दिया था। और आज हमने सुबह सुबह 7 बजे से ये एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। हाँ, रिजर्वायर बैंक के अक्रॉस, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, जिसमें जब हाई फ्लो सीज़न होता है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्योंकि लेवल राइज करता है, इसलिए हमारी ऑलरेडी सलाह रहती है कि रिवर बैंक के नीचे ना जाएं। और क्योंकि ये अभी हम फ्लशिंग कर रहे थे, जिसके लिए डाउनस्ट्रीम साइड में अभी लेवल और बढ़ेगा करके, तो इस डिस्चार्ज के लिए हमने इसीलिए सबको सूचित किया था कि वो अपने जान माल की रक्षा हेतु, इवन जानवरों की भी, वो नीचे बैंक के अक्रॉस ना खड़े। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी, तो हमने ये बताया था कि हाई फ्लो सीज़न स्टार्ट हो चुका है सलाल पावर स्टेशन के लिए, जो कि 15 मई से था। और हमारा रिजर्वायर मैनुअल जो कहता है, उसके हिसाब से महीने के अंत में एक बार फ्लशिंग करनी है, या 1500 क्यूमिक से अधिक का अगर डिस्चार्ज आता है तो। जो कि हमने लास्ट 3 दिनों में ये ऑब्ज़र्व किया कि 1500 क्यूमिक से अधिक का डिस्चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उसके लिए फ्लशिंग का प्लान किया है। और इसमें हमने ऑलरेडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारा हाई फ्लो सीज़न चल रहा है, तो डिस्चार्ज कभी भी गेट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल एक्टिविटी थी, इसके लिए हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता भी दिया था, लोगों को आम जनता को सूचित भी किया था, और साथ ही साथ एक एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके एक एडवाइजरी जारी कर दिया था। और आज हमने सुबह सुबह 7 बजे से ये एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। हाँ, रिजर्वायर बैंक के अक्रॉस, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, जिसमें जब हाई फ्लो सीज़न होता है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्योंकि लेवल राइज करता है, इसलिए हमारी ऑलरेडी सलाह रहती है कि रिवर बैंक के नीचे ना जाएं। और क्योंकि ये अभी हम फ्लशिंग कर रहे थे, जिसके लिए डाउनस्ट्रीम साइड में अभी लेवल और बढ़ेगा करके, तो इस डिस्चार्ज के लिए हमने इसीलिए सबको सूचित किया था कि वो अपने जान माल की रक्षा हेतु, इवन जानवरों की भी, वो नीचे बैंक के अक्रॉस ना खड़े।